हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ यू हैव फेस दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू टाइम द क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू इफ यू मेड अ मिस्टेक दैट नो वन एल्स नोटिस्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलती करते हैं और जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं और हम उस गलती को छुपा जाते हैं इंटरव्यूअर्स हमारा ये एटीट्यूड जानना चाहते हैं कि हमारा कोई गलती करने के बाद क्या एटीट्यूड होता है वुड यू एड्रेस द एरर क्या आप उस एरर को ठीक करने की कोशिश करेंगे और इग्नोर इट या उसको इग्नोर कर देंगे टू कीप द टास्क मूविंग फॉरवर्ड कि जैसा काम चल रहा है वैसा चलने दो ये बहुत अच्छी बात है किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो इससे हमारे व्यक्तित्व का हमारी पर्सनैलिटी का हमारे एटीट्यूड का और हमारी एक ट्रुथफुलनेस का बहुत ज़्यादा पता पड़ता है और इंटरव्यूअर्स हमारी ट्रुथफुलनेस हमारी पर्सनैलिटी हमारे एटीट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस सो आई एम गोइंग टू टेक अप दिस क्वेश्चन फॉर डिस्कशन सो लेट अस सी व्हाट कुड बी इंटरव्यूअर्स परस्पेक्टिव बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी योर एथिक्स एंड बिलीफ अलाइन विद द कंपनी कि आप के अंदर वो एथिकल वैल्यूज़ हैं जो कि कंपनी के साथ मैच करेंगी या आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है आप अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस रखते हैं आप के अंदर वो विश्वास है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी क्या आप अपनी जॉब को ऑनस्टली और इंटीग्रिटी मीन्स एक साथ रहते हुए बढ़िया तरीके से कर पाएंगे ओपननेस टू एक्सेप्ट कि आपके अंदर वो हिम्मत है वो आपके अंदर पावर है कि आप अपनी गलती को वाइडली एक्सेप्ट करें और उसको रिपीट ना करें और उससे एक लेसन लें एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टफ कंडीशन कोर्स हम में से कोई भी एरर की रिस्पॉसिबिलिटी नहीं लेना चाहता कोई गलती हो जाती है हम पीछे हटने की कोशिश करते हैं तो इंटरव्यूर्स जानना चाहते है कि, of course, हैं कि ऑफ़कोर्स गलतियाँ सबसे होती रहती हैं और कई फ्रंट्स पर गलतियाँ होती हैं तो क्या आपके अंदर ये हिम्मत है कि अगर आपसे काम करते टाइम कोई गलती हो जाती है तो क्या आप आगे बढ़ के उस गलती की ज़िम्मेदारी लेकर के उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस गलती को दबाने की कोशिश करते हैं अगर किसी ने ध्यान ना दिया हो तो ट्रांसपेरेंट आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो कितना ट्रांसपेरेंट है और यही ट्रांसपेरेंसी आपको आपकी कंपनी के लोगों की निगाह में आपको फेवरेट बनाती है आपको याद होगा कि आई हैड डिस्कस्ड वन स्टार मैथडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग सब्जेक्टिव आंसर्स ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टार मेथड को थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा हालांकि मेरे वीडियो चैनल पे इसका फुल लेंथ वीडियो अवेलेबल है एस स्टैंड फॉर सिचुएशन टी फॉर टास्क ए फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्ट ये फोर वंडरफुल लेटर्स हैं सो हमसे पहले हमें सिचुएशन डिस्क्राइब करनी होती है उसके बाद हम उस टास्क को हमारे टास्क क्या था उसमें मुझे क्या करना था एंड वॉट वॉज ऑल एक्शंस टू बी डन इन टू दैट टास्क और उसका क्या रिजल्ट आया इसके ऊपर हम अपने आंसर को फोर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है आप भी अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपकी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन करता हो तो यहाँ मैंने एक आंसर को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे आप स्टार मेथड को अच्छे तरीके से समझ सकें so s stands for situation situation kathy i have always found it it's better to take responsibility for mistakes and work to correct them this is the best way to learn from your errors and what was the task when i worked as a barista a customer asked for a soy latte and i accidentally made their drink using whole milk while there is a chance they may never have known I knew my error could affect their experience. And the action that I had taken was I promptly told my manager, remade the drink, and apologized to the customer for the wait. And the result was very good. The customer was satisfied, and my manager thanked me for doing the right thing. From that point forward, I paid special attention to drink. Ingredients. So, this was the could be a probable answer for your situation. And uh, thank you very much for listening it patiently. I hope this would help you out in preparing for your interview uh, preparation. And uh, this was presented to you by Communication Concepts and Techniques. So, thank you very much. Please listen to it, watch it, subscribe it, comment it and uh, in order to have you know endless series of such kind of uh, probable answers of you know probable questions for your interview preparation thank you very much